फैकल्टी ऑफ लॉ एक लॉ स्कूल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, और ये DHE यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आता है। और अभी ये सिचुएटेड है छात्रा मार्ग मॉरिस नगर के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में। फैकल्टी ऑफ लॉ DU को एस्टैब्लिश किया गया था ईयर 1924 में, और डॉक्टर हरि सिंह गौर इसके सबसे पहले डीन थे, जो कि उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर थे, और साथ ही साथ वो एक ग्रेट लॉयर और जूरिस्ट भी थे। 1947 से पहले LLB 2 साल का पार्ट टाइम कोर्स हुआ करता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री लॉ की स्टडी की डिमांड बढ़ने लगी। LLB कोर्स को फुल टाइम कोर्स बना दिया गया और कुछ नए कोर्सेज भी ऐड हुए, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड बैचलर ऑफ सिविल लॉज, लेकिन कुछ समय बाद इन कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, फैकल्टी ऑफ लॉ की सेंटर्स की बात करें तो इसमें 3 सेंटर्स आते हैं, कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर 2 में मॉर्निंग की क्लासेस लगती हैं, और लॉ सेंटर 1 में इवनिंग की क्लासेस लगती हैं। रैंकिंग की बात करें तो द वीक्स मैगजीन के अकॉर्डिंग फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉज रैंक्ड 3rd इन इंडिया इन द लिस्ट ऑफ टॉप लॉ कॉलेजेस इन 2017। टीचिंग मेथड्स जो लॉ फैकल्टी फॉलो करती है वो है केस मेथड, जो फर्स्ट टाइम 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोफेसर PK त्रिपाठी द्वारा, और इस मेथड में स्टूडेंट्स को केस मटेरियल दिए जाते हैं जिसमें केसेस के थ्रू स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ाया जाता है। और दोस्तों, फैकल्टी ऑफ लॉ की अपनी मूट कोर्ट सोसाइटीज़ भी हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होस्ट करती है। तीनों सेंटर्स की मूट कोर्ट सोसाइटी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ कुछ लीगल सर्विस प्रोग्राम्स भी चलाती है। फैकल्टी एसोसिएटेड होती है DSLA और PLV से। DSLA यानी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एंड PLV मीन्स पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जिसमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वॉलंटियरली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में लीगल सर्विस क्लिनिक चलाते हैं, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, और विजिट किया जाता है स्लम एरियाज़ में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉ के बारे में अवेयर किया जा सके। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ जैसे नुक्कड़ नाटक, लोक अदालत एंड प्रिजन विजिट्स भी टाइम टू टाइम होती रहती है।